ISS में एस्ट्रोनॉट की उम्र 0.007 सेकंड ज़्यादा लंबी हो जाती है अर्थ के मुकाबले। अर्थ का हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट 8 किलोमीटर ऊंचा है। वैसे ही मून पर भी पहाड़ है जो कि 10 किलोमीटर ऊंचा है। मून का हाईएस्ट पॉइंट अर्थ के माउंट एवरेस्ट से लगभग 2 किलोमीटर ऊंचा है। और नासा के ऑर्बिटर लूला लूनर ऑर्बिटर लेजर अल्टीमीटर की मदद से नासा ने ये देखा कि मून का हाईएस्ट पॉइंट और भी ऊंचा होता ही जा रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS 27,000 किलोमीटर की स्पीड से अर्थ के चक्कर लगाता है। इतनी स्पीड की वजह से ISS अर्थ के एक दिन में 16 चक्कर लगा देता है, यानी कि ISS को अर्थ का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 90 मिनट ही लगते हैं। इतनी तेज स्पीड की वजह से जो भी एस्ट्रोनॉट ISS पर होते हैं वो एक दिन में 16 बार सनराइज देखते हैं और 16 बार सनसेट देखते हैं। पर ISS अर्थ का मून नहीं है। चाहे ISS इंसान की बनाई हुई सबसे बड़ी ऑब्जेक्ट जो कि फिलहाल स्पेस में है, पर वो फिर भी अर्थ का मून नहीं हो सकता, क्योंकि मून एक सैटेलाइट जो कि स्पेस में ही नेचुरल बने और नेचर की वजह से ही एक प्लेनेट का चक्कर लगाए, ना कि इंसान के द्वारा बनाया हुआ कोई ऑब्जेक्ट। जैसे कि जुपिटर के 79 मून है, सैटर्न के 82 मून्स हैं, यहाँ तक कि सबसे छोटे प्लेनेट्स के भी 5 मून्स हैं, पर अर्थ का सिर्फ एक ही मून है या उससे ज्यादा मून है। पर एक मिनट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में तो ग्रेविटी है, तो एस्ट्रोनॉट उड़ते क्यों हैं? मतलब कि अगर हम एक बड़ी बिल्डिंग पर लीगोस से बनाई हुई, क्योंकि पूरी दुनिया में अभी तक इतने लीगोस बन चुके हैं, अगर हम उन्हें एक के ऊपर एक लगा दें तो हम चांद तक पहुंच जाएंगे। तो अगर हम एक बिल्डिंग को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाते हैं तो हम उस बिल्डिंग में उड़ेंगे नहीं बल्कि जमीन पर ही रहेंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट इसलिए ग्रेविटी फील नहीं कर पाते क्योंकि वो अर्थ पर गिर रहे हैं और ISS उन्हें बहुत तेज स्पीड से घुमा भी रहा है, इसकी वजह से वो उड़ते रहते हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी फील नहीं कर पाते। 1846 में सबसे पहले दूसरा मून देखा गया था जो कि फ्रांस के एक एस्ट्रोनॉमर फ्रेडरिक पेटिट ने देखा था। फ्रेडरिक पेटिट उस वक्त टूलोज ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर थे। टूलोज ऑब्जर्वेटरी फ्रांस में ही एक एकेडमी थी। पेटिट ने यह मून 21 मार्च 1846 में देखा था और बताया था कि यह दूसरा मून मून की एपिटिकल ऑर्बिट में 2 घंटे 44 मिनट तक रहा, पर बाद में फ्रेडरिक पेटिट की इस डिस्कवरी को गलत डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद 1898 में साइंटिस्ट डॉक्टर जॉर्ज वोल्टिमाथ ने यह अनाउंस किया कि उन्होंने भी एक और मून को अर्थ के चक्कर लगाते हुए देखा है। उन्होंने बताया कि इस मून का डायमीटर 700 किलोमीटर है और ये मून 119 दिन में अर्थ का एक चक्कर लगा देता है। उन्होंने ये भी बताया कि ये मून अर्थ से 3 लाख किलोमीटर दूर है और इस मून पर कभी कभार ही सनकीलाइट पड़ती है, जिसकी वजह से ये मून कभी कभी ही दिखता है। पर किसी और ने ये मून नहीं देखा तो वोल्टिमाथ की भी इस डिस्कवरी को गलत डिक्लेयर कर दिया गया। पर अर्थ के एक से ज्यादा मून होते हैं। एक मून जिसे हम जानते हैं और जिस पर इंसान जा भी चुके हैं, जिस पर इंसान ने 20 जुलाई 1969 को कदम रखा, पर उसी वक्त 3 एस्ट्रोनॉट में से एक एस्ट्रोनॉट को कमांड मॉड्यूल में ही रुकना पड़ा था। उन एस्ट्रोनॉट का नाम था माइकल कोलिंस और माइकल कोलिंस कमांड मॉड्यूल में अकेले थे। सिर्फ कमांड मॉड्यूल में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे अकेले इंसान थे। और नीचे मून पर जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन मून पर फोटो क्लिक करके 24 जुलाई 1969 को अर्थ पर वापस आए तो उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि नासा ने उन्हें एक ट्रेलर में 3 हफ्ते के लिए बंद कर दिया था, जहां उनकी जांच हुई और देखा गया कि कई मून से कोई ऐसा जर्म्स या कोई ऐसी बीमारी तो उनके साथ तो नहीं आ गई जिसकी वजह से इंसान की जान को खतरा हो सके। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इतिहास में पहले इंसान बने जिन्होंने चांद पर कदम रखा हो, पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं थे जिन्होंने सबसे पहले मून को टच किया था। उन्होंने मून से पत्थर और वहाँ की मिट्टी तो उठाई थी, पर उन्होंने स्पेस सूट पहन रखा था। नासा के फोटोग्राफर टेरी स्लेजक पहले इंसान है जिसने मून को छुआ हो। जैसे कि फोटो में दिख रहा है, उनके हाथों पर मून की मिट्टी लगी हुई है और ये मिट्टी एक कैमरा की फिल्म रोल से उनके हाथ में लग गई थी। इस कैमरा से जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर फोटो खींच रहे थे तो उनके हाथ से ये कैमरे की फिल्म मून पर गिर गई थी, जिसे बाद में टेरी स्लेजक ने अर्थ पर निकाला और फिर उनके हाथ पर भी मून की मिट्टी लग गई, जिससे वो अनजाने में पहले ऐसे इंसान बन गए जिसने मून को छुआ हो। और दूसरे मून जो कि ज्यादातर 9 महीने के लिए ही अर्थ के चक्कर लगाते हैं या उससे कम समय के लिए, ये मून होते हैं एस्ट्रॉइड, जो कि अर्थ के पास से गुजरते हैं और अर्थ अपनी ग्रेविटी से इन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। इनका साइज एक कार के जितना होता है और कुछ उससे भी छोटे साइज के होते हैं। इनका साइज बहुत कम होता है, इसी वजह से वैज्ञानिकों को इनका पता ही नहीं चलता, पर ये एस्ट्रॉइड बहुत कम समय के लिए ही अर्थ के चक्कर लगाते हैं और फिर से आगे चले जाते हैं, इसलिए वैज्ञानिक इन्हें टेम्परेरी सैटेलाइट कहते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि मून के भी मून होते हैं।
सब मून, पर हमारे सोलर सिस्टम में एक भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसके मून के भी मून हो। यहाँ तक एस्टेरॉयड के भी मून देखे गए हैं। वो एस्टेरॉयड जो कि साइज में बहुत बड़े होते हैं, जिन्हें प्लैनेटॉइड्स कहते हैं। इनकी ग्रेविटी इतनी पावरफुल होती है जो कि एक और छोटे एस्टेरॉयड को अपने ऑर्बिट में खींच लेती है। पर हमारे सोलर सिस्टम में एक भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसके मून का भी मून हो, पर शायद कई और यूनिवर्स में ऐसा प्लैनेट हो जिसके मून के भी मून है, क्योंकि ये यूनिवर्स बहुत बड़ा है।